स्वाद से ठीक 9 महीने -2, 11 महीने पहले मैंने एक वीडियो रिक्रिएट किया था डेथ नोट के ऊपर। अब जिसको डेथ नोट के बारे में नहीं पता, ये एक जानी मानी एनिमे सीरीज है। और हाँ, ये मेरा सबसे पहला एनिमे जो मैंने देखा था, जिसके बाद से मैं एनिमे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हुआ। आई नो, मुझे पता है तुम भी इस चीज के लिए तो नहीं आए हो। हाँ, तो मैं कहा था 11 महीने पहले मैंने जब इस सीरीज को रिक्रिएट किया था। अगर किसी ने ये वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखो, तुम्हें अच्छे से समझ आ पाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो उस टाइम पर मेरे पास एक लिमिटेशन थी कि मैं एनिमेट नहीं कर सकता था डिजिटली, जिसकी मदद से इस तरह की कैरेक्टर एनिमेशन बनाई जाती है, एनिमे बनाया जाता है। मैं ठहरा सिर्फ एक बहुत बड़ा प्रोफेशनल वीडियो एडिटर, मुझे एनिमेशन के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, स्केचिंग कर लेता हूँ कभी कभी थोड़ी, बट बस इतना ही। तो उस टाइम पर मैंने एक वीडियो को शूट किया, तुम शॉर्ट फिल्म कह सकते हो, जिसको मैंने बहुत ज्यादा एनिमे स्टाइल में रखा, एडिट भी एनिमे स्टाइल में किया। बट आज एआई की मदद से जो मेरी एक लिमिटेशन थी एनिमेटेड कैरेक्टर्स बनाने की, वो भी पूरी हो सकती है। कैसे? सिर्फ एक वेबसाइट की मदद से तुम्हारी शूट की गई वीडियो को एक एनिमे स्टाइल में एनिमेट करके दे सकता है, या फिर बहुत सारे स्टाइल्स में एनिमेट करके दे सकता है। एनिमे तो सिर्फ एक कैटेगरी है इसमें। तो आज हम इसी AI टूल को ट्राई करेंगे और तुम्हें बताऊंगा मैं, तुम भी अपनी कोई भी वीडियो, रील, शॉर्ट फिल्म, छोटा प्रोजेक्ट, बड़ा प्रोजेक्ट, मूवी किस तरह से एनिमेट कर सकते हो, वो भी सिर्फ AI की मदद से। और हाँ, क्योंकि इस चैनल पे हम झूठे दावे नहीं करते हैं, तो तुम्हारे साथ साथ मैं भी करूंगा। मैं भी पहली बार ही देख रहा हूँ किस तरह से काम करता है, अच्छा भी है, बुरा है, एक ही बात होगी वैसे तो, क्या ये काम का है या नहीं, कितने काम का है, कितना टाइम लेता है, वो सब मैं करके तुम्हें बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा देखते रहो बस। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं अपनी वेबसाइट पर, जिसका नाम है डोमो AI। यहाँ पर तुम देख सकते हो, अभी तक तुम AI की मदद से टेक्स्ट टू इमेज जनरेट कर सकते थे, बट धीरे धीरे AI इतना एडवांस हो गया है कि अब तुम वीडियो भी जनरेट कर सकते हो। यहाँ पर ये जो हमारा टूल है, ये डिस्कॉर्ड के साथ काम करता है। ये है यहाँ पर हमारा डिस्कॉर्ड। अब सबसे पहले हमें यहाँ पर अपनी वीडियो डालनी पड़ेगी। अब दो तरह की वीडियोस हो सकती है तुम्हारी। फर्स्ट जो कि होगी सिंगल टेक वीडियो, यानी कि पूरी वीडियो एक ही टेक में है, कहीं पर भी कट्स या कुछ नहीं है। और दूसरी होगी मल्टीपल सीन्स वाली वीडियो, जिसमें बहुत सारे कट्स होंगे, कभी किसी एंगल से शूट हुआ है, कभी किसी एंगल से शूट हुआ है। तो अगर तुम चाहते हो तो दोनों तरह की वीडियो इसमें डाल सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें एक अच्छे आउटपुट की जरूरत है, तो यहाँ पर तुम्हें सिंगल टेक वाली वीडियोस डालनी है। और अगर तुम्हारे पास मल्टीपल शॉट्स वाली वीडियो है, तो उस वीडियो में से जितने भी मल्टीपल शॉट्स है तुम्हारे, सारे निकाल के अलग अलग जनरेट करने हैं। आई नो इसमें बहुत सारा काम है, बट मुझे अपना थोड़ा आउटपुट अच्छा चाहिए। तो ऐसा करते हैं, मैं मल्टीपल टेक वाली वीडियो का एग्जांपल लेके बताता हूँ यहाँ पर। ओके, अब देखो मेरे पास पड़ा है इस वीडियो का पूरा प्रोजेक्ट, मैं सिंगल सिंगल शॉट निकाल सकता हूँ। लेकिन अब तुम कहोगे, भैया मेरे पास तो क्या है, एक ही सिंगल वीडियो है और उसमें मल्टीपल शॉट्स हैं बहुत सारे, तो मैं क्या करूं? उसके लिए मैं बताता हूं, तुम्हें अपनी वीडियो को यहां पर इंपोर्ट कर लेना है। सबसे पहले तो ये हो गई वीडियो इंपोर्ट। अब अगर तुम एक Adobe Premiere Pro यूजर हो, तो तुम्हें सीन एडिट डिटेक्शन के बारे में पता होगा। नहीं पता तो मैं बता देता हूं, अपनी वीडियो को यहां पर इंपोर्ट कर लो। ये देखो कितने अलग अलग शॉट्स हैं सारे, इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करोगे तो यहां पर तुम्हें दिखेगा सीन एडिट डिटेक्शन, इसको क्लिक कर दो। अब ये तुम्हारी वीडियोस में जितने भी सारे कट्स होंगे उसको खुद ही लगा देगा और हो गया हमारा काम। अब तुम इनको सिंगल सिंगल एक्सपोर्ट करके वहां पर डाल सकते हो। तो मैं यहां पर इसको एक्सपोर्ट कर लेता हूं, सिलेक्ट करेंगे, क्वेश्चन मार्क वाला बटन दबाएंगे, उससे हमारी वीडियो सिलेक्ट हो जाएगी, इन और आउट लग जाएंगे, कंट्रोल एम दबा के एक्सपोर्ट कर लेंगे। और फिर तुम इनके डिस्कॉर्ड पर ज्वाइन हो जाओगे। यहां पर नीचे स्क्रॉल करो और यहां किसी भी जनरेट वीडियो वाले ऑप्शन पे तुम क्लिक कर सकते हो। इस पर मत जाना, मैं 5 चूज कर लेता हूं। अब यहां पर स्लैश डालो और डाल दो वीडियो। क्लिक करते ही तुम्हें यहां पर पूछेगा, भाई वीडियो कहां है? डबल क्लिक करके अपनी यहां पर वीडियो हम ऐसे डाल देंगे। थोड़ा सा बताना होगा इसको तुम्हें कि तुम्हारी उसमें चल क्या रहा है। ए बॉय वॉकिंग इन वाइट स्कूल शर्ट। अब मैं यहाँ पर अपने सारे शॉट्स में एक तरह की कंसिस्टेंसी चाहता हूँ, तो मैं इसको हर शॉट में बताता रहूंगा कि जो हमारा कैरेक्टर है वो एक व्हाइट स्कूल शर्ट में है। सिंपल बात है एकदम। एंटर दबा देंगे और ये तुम्हारी इस वीडियो को अपलोड कर देगा। उसके बाद यहाँ पर तुम्हारे पास, अब देखो कितने सारे ऑप्शन आ गए, एनिमे वर्जन 1, वर्जन 2, जैपनीज एनिमे चूज कर सकते हो, लाइव एनिमे, चाइनीज, इंक पेंटिंग, 3D कार्टून, कॉमिक स्टाइल, पिक्सल स्टाइल, पेपर स्टाइल, ग्रैंड थेफ्ट गेम, कलर इलस्ट्रेशन, इनमें से किसी भी तरह से तुम कर करके देख सकते हो अलग अलग तरह से। मैं यहाँ पर फर्स्ट वाला सिलेक्ट करूंगा क्योंकि ये ज्यादा क्लोज है जिस तरह की मैं एनिमेशन चाहता हूँ। रेफर टू सोर्स वीडियो मोर या फिर रेफर टू प्रॉम्प्ट मोर, अगर तुम चाहते हो जो तुमने यहाँ पर प्रॉम्प्ट दिया है उसको ज्यादा फॉलो करे, ये तुम्हारी वीडियो को कम फॉलो
करे, अगर तुम यहाँ पर प्रॉम्प्ट में रेड शर्ट लिख देते तो ये यहाँ पर रेड शर्ट बना देता थोड़ा थोड़ा। एनिमेशन तुम्हारी वीडियो के हिसाब से ही रहती, तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो पे ज्यादा रेफर करे। तुम्हें यहाँ पर नीचे तीन चार ऑप्शन और मिलेंगे, इनमें से चूज कर सकते हो तुम कुछ भी। अब हमें थोड़ा सा वेट करना होगा क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है। अब देखते हैं कितना टाइम लेता है। मैंने टाइम कर दिया है चालू, तो तुम देख सकते हो लगभग 2 मिनट हो गई है और हमारी वीडियो हो चुकी है रेंडर। ये वीडियो थी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, सिर्फ 1 सेकंड की, 1 सेकंड की वीडियो 2 मिनट में हुई है। और यार दिखने में तो बहुत बढ़िया लग रही है, मतलब ये अगर ध्यान से देखा जाए तो इतनी डिटेल्स नहीं है बट काम चला देने वाला एनिमेशन है कि अगर कोई अच्छी सी स्टोरी लेके उसके अराउंड कुछ बनाना चाहो तो बना सकते हो। और अगर तुम्हारा मान लो मैसेज यहाँ पर खो जाता है तो तुम यहाँ पर आओ इनबॉक्स में और तुम्हें यहाँ पर मेंशन दिख जाएगा, जैसे कि ये रहा, यहाँ से तुम जंप करके मैसेज पे जा सकते हो। अब ऐसा करते हैं, एक बड़ी वीडियो डाल के देख लेते हैं। यहाँ पर स्लैश, ये है हमारे पास एक और क्लिप। क्या मैंने अभी भी डेथ नोट को देखा? सर्चिंग फॉर लाइफ ऑन अदर प्लैनेट। मैं भी क्या सोच रहा हूँ, ये अराउंड 6 सेकंड का वीडियो है। अब इसमें देखते हैं ये 6 सेकंड की क्लिप में कितना टाइम लगाता है। और अराउंड 20 मिनट के बाद, हाँ 6 सेकंड की क्लिप में 20 मिनट लग गई मुझे। और ये है जनरेटेड एनिमेटेड वीडियो। क्या मैंने अभी भी डेथ नोट को देखा? सर्चिंग फॉर लाइफ ऑन अदर प्लैनेट। मैं भी क्या सोच रहा हूँ। और पूरी 1 मिनट की वीडियो बनाने के लिए तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है, मुझे भी लगेगा। तो अब मेरे पास जितने भी सारे शॉर्ट्स हैं उनको मैं यहाँ पर अपलोड करके एनिमेटेड बना लेता हूँ और फिर उनमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करके देखते हैं कि क्या आउटपुट अच्छा आ पाता है या नहीं, क्या सही में जो मेरा आइडिया था जो मैंने शूट किया था उसको मैं एनिमे में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। लेट्स सी। The next day. So this is day 2. मुझे कल पूरी रात लग गई इसको एनिमेट करने में डिस्कॉर्ड की मदद से, बट सही बताऊं तो आउटपुट बहुत अच्छा आ रहा है, तो मैं देख के बहुत पसंद आएगा। और अगर तुम यही चीज अपने फोन में भी करना चाहते हो तो डिस्कॉर्ड तुम्हारा फोन में भी चल सकता है, तुम वहां से भी कर सकते हो। बट अगर तुम अपने फोन में इसका अल्टरनेटिव चाहते हो तो एक ऐप है लूपसी नाम से, तुम यही चीज इस ऐप से भी कर सकते हो, फोटो हो या तुम्हारी वीडियो। ये मैंने इंस्टाग्राम पे बताई हुई है अपने, वहां पर फॉलो नहीं किया हुआ है तो वहां पर फॉलो कर लो, वहां पर भी 100 Days 100 वेबसाइट में मैं ऐसी ऐप्स बताता रहता हूं। तो चलो फाइनल आउटपुट देखते हैं और कमेंट्स में बताना तुम्हें कैसा लगा और अपना फेवरेट एनिमे भी बताना, क्योंकि इसको यूज करके मैं इसका सेकंड पार्ट ले जाऊंगा। The only life that we are certain about so far in the entire universe is on planet Earth. क्या मैंने अभी भी डेथ नोट को देखा? सर्चिंग फॉर लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स। मैं भी क्या सोच रहा हूँ। नासा वाले बहुत खतरनाक हैं। 12 अगस्त 2018 को नासा ने एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया और सभी को बोला हम इससे सूरज। लेकिन उस पर कुछ ना कुछ तो लिखा था, अगर सही में वो डेथ नोट हुई तो। इस पर तो कुछ भी नहीं है, ये सब एक बकवास है। यहाँ नीचे आने से अच्छा मैं वो नासा पर रिसर्च। क्या ये सच में? अबे रचित, अभी तक तू यही वीडियो एडिट कर रहा है भाई, इसके बाद 10 और यूट्यूब वीडियो एडिट करनी है हमें, 15 यूट्यूब वीडियोस के थंबनेल बनाने हैं, मेरी 2 इंस्टाग्राम रील एडिट करनी है और 5 यूट्यूब शॉर्ट्स भी करने हैं, और मेरी बंदे के साथ मेरी डेट वाली फोटो भी तो एडिट करके दे यार फटाफट, शाम तक देनी है क्लाइंट को। अब बस हो गया, इसकी बकवास अब मैं और नहीं सुनूंगा। लक्ष्य चौधरी, अपनी मौत के लिए तैयार हो जा। ये क्या, अब तक तो इसे मर जाना चाहिए था, बट कोई नहीं, आज तेरी मौत मेरे इन्हीं हाथों से लिखी है। लक्ष्य चौधरी, CHAUGHORYRI। सुन, चौधरी की स्पेलिंग क्या है? CHAUDHARY। ऐसा हो कैसे सकता है?
पर मेरा असली नाम तो लक्ष्य चौधरी है ही नहीं, मेरा असली नाम तो मंगलू है, मंगलू।